लेकिन अहिल्या मुझे कुछ बात करनी है, सुबेदार जी को कुछ बताना है। ही लेकिन तू तो बाहर सबके साथ है, अब तू सो जा और फिर बाद में शाम को उनसे बात कर लेना। तू सुनती क्यों नहीं अहिल्या, तुम सबकी जान खतरे में है। विश्वास कर मुझ पे, मैंने खुद सुना, तुम सबकी जान खतरे में है। क्या बात है सरकार, आज पगड़ी पर भुट्टा नहीं लगाएंगे? ऐसे कैसे नहीं लगाएंगे धनाजी साहिब, बरसों से हर साल इस परंपरा को निभाते आए हैं, इस बार भी इस परंपरा का मान जरूर रखा जाएगा। भुट्टा तो बसंत का प्रतीक है। ये लीजिए भुट्टा भी आ गया। ये साजी लेके आए? जी से पहचानती हूँ, लेकिन नाम नहीं पता। चल जल्दी चल। के मंडप में नहीं जा सकती अहिल्या, तू जाके बता दे सबको। नहीं लेकिन सबकी जान को खतरा है, हमें सबको बचाना है, तो चल। खंडे रहो बेटा, आप भी आओ। जसा जी आइए ना। जी मैं हाँ, सम्मान की बात आई। हाँ आइए आइए। पूरे परिवार को वाड़े के अंदर ले जाओ तुरंत। माफ कीजिएगा सरकार, लेकिन बसंत पंचमी के त्योहार पर तो हम हमेशा निशस्त्र हिस्सा लेते हैं। जी हाँ गंगूबा, इस बार भी बिना शस्त्रों के ही शामिल होंगे हम, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए शस्त्रों की जरूरत कब पड़ जाए क्या पता। नहीं नहीं मैं इतना बुरा नहीं गाती, मैं तो थोड़ा ठीक ठीक गा लेती। और हाँ आप ऐसा सब मुझे तंग करने के लिए बोल रहे हो ना। अब तो तुम जाकर बाबा साहब से शिकायत करोगी हमारी, है ना? कि देखे ना सुबेदार जी, छोटे सुबेदार जी हमें फिर से परेशान कर रहे, बहुत डांट लगाना आप उन्हें, है ना? जाओ कर दो, बाबा साहब भी खुश हो जाएंगे और उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमें डांटने के लिए। बस आप ही बोलते रहोगे या फिर मुझे भी कुछ बोलने दोगी? और जैसे ही हम यशा जी के घर पर पहुंचे तो देखा घर खाली था, कुछ हाथ नहीं लगा, ना उसका परिवार ना कोई साथी और ना ही कोई सबूत।
जी, आपको कैसे पता? इसी तरह काम करते हैं सब तुको जी, सर पे कफन बांधकर अपना मकसद पूरा करने निकलते हैं। पकड़े और मारे जाने का डर रहता हमेशा, इसलिए अपने पीछे कोई सुराग भी नहीं छोड़ते ताकि दुश्मन उनकी साजिश से अनजान रहे, क्योंकि हमले में मौत हो जाने के बाद तुको जी वाड़े में जिन लोगों ने जान गंवाई, पहचान हुई क्या उन सब की? कितने लोग हमारे थे, कितने निजाम के? जी, ये जिम्मेदारी गंगोबा तात्या ने खुद ली, आपको कल तक सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने आपको बहुत निराश कर दिया ना सरकार, बार बार दावा करता रहा, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, सब नियंत्रण में। आपने ईशा जी की तरफ पहले ही इशारा कर दिया था, मैंने पहचानने में देरी कर दी। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसने कैसे हमारे सैनिकों के बदले अपने सैनिक भेज दिए महल में, वो भी हथियारों के साथ। ईशा जी ने इतना सब कुछ कर दिया और मुझे खबर भी नहीं हुई। बसंत पंचमी पर भुट्टा पता होनी है, भुट्टो की टोकरी अंदर आएंगी, हम बिना शस्त्रों के होंगे। सब जानते हुए भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी मैंने? गद्दार, मैं आपकी क्यों शिकायत करूंगी भला? और बड़े सुबेदार जी आपको क्यों डांटेंगे? उन्हें थोड़ी ना अच्छा लगता है आपको हर बात पर डांटना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे मेरी सहेली रेनू वापस मिल गई, और इसकी वजह से तो बड़े सुबेदार जी को पता चला कि कौन सी बड़ी वाली गड़बड़ होने वाली है, और उन्होंने तैयारी भी कर ली उस गड़बड़ के लिए। छोटे सुबेदार जी, आपका आपका सच में बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले भी कह चुके हैं, धन्यवाद, आभार, माफी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कोई बड़ा काम किया ही नहीं हमने, और अगर किया होता तो अभी तक बाबा साहेब हमारी पीठ थपथपा कर शाबाश बेटा जरूर कहते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.